हिंदू राष्ट्र की मांग पर इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री भी बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इन सब के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान आया है। चक्रपाणी महाराज ने देश भर में जारी तमाम विवादित मुद्दों पर बयान जारी किया है। महाराष्ट्र में नाम और निशान की लड़ाई से लेकर जेएनयू में हुए बवाल को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्ववादी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी ही हो, हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जेएनयू में हुए विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि जेएनयू में शुरू से ही राष्ट्र विरोधी नारे लगते आए हैं। उन्होंने इसका नाम बदल कर वीर सावरकर विश्वविद्यालय करने की मांग की है। वहीं ओवैसी के घर पर हुए हमले को लेकर चक्रपाणी महाराज ने कहा कि इस तरह किसी के घर पर हमला करना गलत है। ओवैसी के आवास पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके संबंध हमेशा से ही जिहादियों से ही हैं, इसलिए मनमुटाव के कारण उन्होंने हमला किया होगा। उनकी मांग है कि पुलिस इस मामले की जांच करे और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दरअसल दिल्ली में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर बदमाशों ने रविवार यानी 19 फरवरी देर शाम पथराव कर दिया था। पथराव के बाद ओवैसी के घर की खिड़कियां टूट गई। इस घटना की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। वहीं जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी प्रतिमा तोड़ने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना के नाम और निशान शिंदे गुट को देने के बाद राजनीति गरमाई हुई है।